अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इस्मतुल्लाह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी ए आई ओ यू। जैसा कि आपको पता है, एक मुल्क की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इम्तहान जो हैं उसको कैंसिल कर दिया है। साफ जाहिर है, जब इम्तहान कैंसिल हो जाते हैं तो एक जो न्यूज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर आ जाती है कि क्या आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इम्तहान को ऑनलाइन ले सकती है या नहीं ले सकती। आज की इस वीडियो के अंदर इसी हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नीचे कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना है। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मुल्क की कंडीशन को खराब देखते हुए अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 25 मई का जो पेपर था उसको पोस्टपोन कर दिया था। दोबारा ये जो पेपर है ये 23 जून 2022 को होगा। क्या बाकी इम्तिहान भी कैंसिल हो सकते हैं, इसके हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी कि 26 मई वाला पेपर, 27 वाला या 25 के बाद जो भी पेपर होने थे, क्या वो भी पेपर कैंसिल हो सकते हैं, इसके हवाले से मैंने कंप्लीट मालूमात की वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद आपने वो वीडियो देख लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि पेपर कैंसिल हो चुके हैं, क्या आप यूनिवर्सिटी इम्तिहान को ऑनलाइन ले सकती है या नहीं ले सकती। 50-50% चांस है कि इम्तिहान ऑनलाइन हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये लग रहा है कि अगर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सारे इम्तिहान मुलतवी कर देती है तो उस पर फिर ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पेपर ऑनलाइन होंगे। अगर सारे पेपर कैंसिल नहीं करती, यानी कि सिर्फ 25 मई वाला पेपर कैंसिल करती है और बाकी जो पेपर हैं वो आपके टाइम शेड्यूल के मुताबिक ही लिए जाएंगे, तो फिर पेपर ऑनलाइन होने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। आज का दिन या कल का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन फैसलों से कि क्या बाकी पेपर मुलतवी होंगे, क्या पेपर ऑनलाइन होंगे। आज या कल इंशाल्लाह तमाम चीजें फाइनल कर दी जाएगी। जैसे कोई ऑथेंटिक ओरिजिनल न्यूज आती है तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर कंडीशन खराब हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होंगे कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी टाइम जाया नहीं करेगी और पेपरों को ऑनलाइन लेगी। अभी ऑनलाइन किस तरह होंगे, एंटरम असेसमेंट होगी या फिर आपको घर के एड्रेस के ऊपर पेपर भेजेंगे या ऑनलाइन पेपर होंगे, तमाम जो तफसीलात है वक्तन वक्तन आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। फिलहाल आपने क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 दिन इंतजार करना है। कोई भी फाइनल डिसीजन आएगा इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो के जरिए इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लाजमी तौर पर प्रेस करना है ताकि जैसे कोई मालूम आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।